खुश आमदीद ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आज की ये ट्रांसमिशन उन बहन भाइयों के लिए, उन मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए कि जिन्हें आपकी ज़कात की, आपकी मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन करम, आपने बर्फ़ानी इलाकों में जाकर देखा होगा कि बाज़ जानवर जो हैं वो बर्फ़ में परवरिश पाते हैं और ऐसे इलाकों में परवरिश पाते हैं कि जहाँ बहुत ठंड होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मौसम बदलने के साथ साथ, जैसे कि साल के मुख्तलिफ वक्तों में मौसम तब्दील होते हैं, अगर कहीं ज़्यादा ठंड हो जाए तो वहाँ मौजूद जो जानवर हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई परिंदा हो, कोई दूसरा जानवर हो, आपने देखा होगा कि उन जानवरों पर भी मौसम, सर्द मौसम की सख्ती के असरात होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत आप देखिए, आपको बर्फ़ में रीछ चलता हुआ नज़र आएगा या ऐसे जानवर के जो बर्फ़ानी इलाकों में होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म पर उनके एक खाल और रुए की शक्ल में इतनी गर्माइश पैदा कर दी है कि वो उस ठंड से मुतासिर नहीं होते। ये जो जानवर हैं, इनके जिस्मों पर भी अल्लाह ताला ने, हम तो मुख्तलिफ जानवरों की खाल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैकेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी हमें सर्दी ना लगे। आपके सामने फुटेजेज़ हैं राशन के हवाले से भी, और आप देख लीजिए ये उन इलाकों की फुटेजेज़ हैं कि जहाँ सैलाब आया, लोग खुश्की का इंतज़ार, खुश्क इलाकों में जाने के बाद पानी उतरने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आज भी कर रहे हैं ताकि ज़मीन दोबारा से ज़रख़ेज़ हो सके, काबिल काश्त हो सके। वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है KGN के रज़ाकारों ने जाने के बाद ये राशन उठाकर दूर दराज इलाकों तक चल के गए और लोगों तक पहुँचाइए। लोगों के घरों की हालत देख लीजिए, अगर एक तरफ से सूरज निकले तो फिर धूप आ जाती है और धूप से बचने के लिए उनको जो है अपना रुख तब्दील करना पड़ता है। लोग मुश्किलात का शिकार आज भी हैं। राशन उन तक पहुंचाना और गर्म लिबास या फिर कंबल, ब्लैंकेट या फिर रज़ाई या लिहाफ उन तक पहुंचाना हमारा आपका फ़र्ज़ है। राशन और ये दो चीज़ें आज हमारा आपसे इस प्रोग्राम में जो हमारी गुजारिश और हमारी अपील है वो यही है कि 2500 रुपये डोनेट कीजिए एक रज़ाई, कंबल, ब्लैंकेट या लिहाफ पहुँचाने के लिए। 2500 रुपये आप जो मैंने 25,000 कह दिया, तो 25,000 भी कीजिए ताकि 10 लोगों तक पहुँचे। और राशन 7,000 रुपया जो है वो राशन एक फैमिली, 5-6-7 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली के लिए राशन पहुँचाया जाए आपकी तरफ से, ये बहुत बड़ी नेकी है। पैसा कम है और मैं आपसे अर्ज़ कराते इस फुटेज से पहले, ये फुटेज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये अभी बिल्कुल ताज़ा बनाई हुई है। आप देखोगे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम से हम जो ताज़ा बनी होती है उसमें कुछ चला देते हैं, और ये फुटेज इसलिए चलाई जाती हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। हम सिर्फ अपने रज़ाकारों को फोकस करके आपको दिखाते हैं कि हमारे रज़ाकार जो हैं मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में, दुश्वार गुजार इलाकों में और ऐसे इलाकों में पहुँच कर के जहाँ पर लोग मैसूर हुए में एक तरह से, उन तक जाकर राशन या मुख्तलिफ सहूलियात की चीज़ें, टेंट वगैरह आपकी तरफ से जो डोनेशंस आता है उसके तहत पहुँचाती हैं। ये देखिए आपके सामने एक खातून जो है वो लिहाफ लेकर, बिस्तर लेकर अपनी फैमिली के लिए जा रही है, उसके पीछे भी आपको दूसरी खातून नज़र आएंगी। ये वो लोग हैं कि जो कोई मांगने वाले नहीं हैं, ये मसाइब का शिकार हैं, और आपके सामने इस वक्त देखिए एक के बाद दूसरी फिर तीसरी भी आपको पीछे आती नज़र आएंगी। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारा काम होता है। इसमें लोगों की हतक भी नहीं होती, उनको ये एहसास होता है कि उनके अपने लोग मौजूद हैं जो उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं, जो उनकी मदद करने वाले लोग हैं, और ये एहसास जो है ना, ये एहसास कायम रहना चाहिए आपके हमारे इस कोऑर्डिनेशन से कि लोग जो हैं उनको ये यकीन रहे कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ का हमें एहसास है और हम उन तक जो है वो जो अल्लाह ताला की तरफ़ से हमें दिया गया है, जो हमें मैसर है, वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इंसान जो है उसको और जानवरों का फ़र्क यह है कि जानवरों के लिए अल्लाह ताला ने खुद जो है वो एहतमाम फरमा दिया है, इंसान को अपना अल्लाह ताला ने नाइब बनाया है, और मुश्किलात का शिकार इंसान ही होता है। अब आप ये देखिए कि इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तकसीम जो है, जो इंसानों के हाथ में है, वो तकसीम में कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, अपने फ़राइज़ से कुछ पीछे हट जाते हैं। तो इंसान जो कि अल्लाह का नाइब है, इंसान जो अशरफुल मखलूक है, उसको सिर्फ ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो मखलूकात में अशरफ है, और अशरफ है तो उसका अमल उसको अशरफ बनाता है। सिर्फ ये नहीं कि ये एजाज़ है, ये कोई तमगा है और वो सीने पे लगा के इंसान घूमे। हमें अशरफुल मखलूकात बनकर दिखाना है,
हमें बताया गया है कि तुम्हारा मकाम ये है, तुम इस मकाम को हासिल तो करो, तुम्हारा मकाम ये है, तुम इस मकाम को हासिल तो करो। अभी यहाँ इस प्रोग्राम से पहले ये बात हो रही थी कि हैवानात, तो मैंने यहाँ पर जो है साहिब इल्म लोगों से जब गुफ्तगू हो रही थी तो हमने ये कहा कि इंसान हैवान नहीं, हैवान नातिक है, ये फ़र्क है इंसान का। तो इंसान को अपने आप को बाकी मखलूकात से अफजल साबित करना है, ये साबित करने के लिए हमें अपने आमाल की तरफ तवज्जो देनी है, वरना ज़िंदगी तो जैसे जिसने गुजारी, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, ज़िंदगी गुजारी, जो मैसर आया वो हासिल किया, लुटाया, खाया पिया, सोए और चले गए, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का हिसाब देना है, कहाँ से आया कहाँ खर्च किया, कहाँ से आया कहाँ खर्च किया, ये बताना है, किस पे खर्च किया, कैसे कमाया, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सामने रखते हुए हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं मोहतरम, मेरे साथ दो नौ मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमाए, एक दफ़ा फिर इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू भी हम इंशाल्लाह करेंगे। मोहतरम मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब और मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और हमारे साथ मास्टर समीर अहमद भी मौजूद हैं। तो सर जी, एक और समय साहब हम कलाम सुनना चाहते हैं आपसे, इरशाद फरमाइएगा। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं करम के बदौलत बड़ा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम के बदौलत बड़ा हूँ, उनके से एज़ाज़ पाकर, उनके टुकड़ों से एज़ाज़ पाकर, ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एज़ाज़ पाकर, ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ, देखने वालों मुझको ना दे, देखने वालों मुझको न देखो कि देखना गया, अगर तो ये देखो किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किस का गदा हूँ, इस करम को मगर क्या कहोगे, इस
इस करम को मगर क्या कहोगे अका मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ जो बुरों को समेटे हुए है जो बुरों को समेटे हुए है मैं भी कदमों में उनके पड़ा हूँ कदमों में उनके पड़ागों जो बुरों को समेटे हुए हैं मैं भी कदमों में उनके पड़ागों शायद भाई समाप्त करिएगा कि देखता हूँ जब उनकी अताए तो भूल जाता हूँ अपनी खताए मैं भूल जाता हूँ अपनी खताए अकसर नदामत से उठना नहीं है सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ शफाए बुदे हलाज रख ली मेरे खोटे मन के निस्बतों का करम गए ये खालिद निस्बतों का करम गए ये खालिद खोटा होते हुए अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ इस करम के बदौलत बनागो उनके टुकड़ों से एजाज पाकर की सफर में खड़ा माशाल्लाह मोहतरम मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब ज़कात की हम बात कर रहे थे कि ज़कात को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा देना भी हमारा फरीज़ा है क्योंकि बीच में तस्करा किया मैंने भी अर्ज़ किया था कि ज़कात की अदायगी ही नहीं बल्कि ज़कात को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा देना भी फरीज़ा है जी ज़रा इस हवाले से बहनमाई फरमा दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए ज़कात जो है इस्लामी अरकान में से सबसे अहम रुकन जी हाँ जी हाँ और ज़कात के कई फ़वाद हैं दुनियावी लिहाज से भी उखरवी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से ये फ़वाद हैं कि हम जो माल हलाल तरीके से कमाते हैं उसके बावजूद किसी न किसी अंदाज में उसमें मैल कुचैल हो जाती है ठीक है तो उस मैल कुचैल को साफ करने का जो जरिया है वो ज़कात है। इस तरह हजरत एक आयत तिलावत कर रहे थे खुद मिन अमवालहिम
सदकतन तो तहिरहुम, इनके मालों से लें और सदके के तौर पर यानी जकात के तौर पर इनको पाक करें, यानी जकात जो है माल की पाकिजगी का जरिया है। और उसके साथ साथ दुनियावी लिहाज से एक फ़ायदा ये भी है कि जकात से जो है ना वो लोग जो गुरबत की लकीर के नीचे हैं, वो लोग जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते हैं, जकात के ज़रिए उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। ये दुनियावी लिहाज से फ़ायदे हैं, उखरवी लिहाज से फ़ायदे हैं कि कब्र और हशर में जकात देने वालों को अल्लाह पाक अपनी रहमत से बहुत बड़ा अजर और करम अता फरमाएगा। तो जकात जो है ये फ़र्ज़ है और हर फ़र्ज़ में शरायत होती हैं। जैसे हम नमाज अदा करते हैं तो उसकी शरायत हैं, हम रोज़ा रखते हैं तो उनकी शरायत हैं, लिहाजा जकात की भी शरायत हैं। वो ये हैं कि जकात देने वाला जो है जो माल निकाल रहा है शरीयत के उसूलों के मुताबिक माल निकाले, लेकिन नियत भी करे कि मैं ये जो है ना बतौर जकात दे रहा हूँ, और जिसको दे रहा हूँ वो जकात का मुस्तहिक है भी या नहीं, पहली तो बात ये है, ठीक है, ये देखना चाहिए कि ये जिसको मैं जकात दे रहा हूँ ये मुस्तहिक है या नहीं। मुस्तहिक है तो फिर उसको जकात दें और जकात को उसका जो है ना देकर उसको मालिक बना दें कि अपनी मर्जी से जो चाहे, ले। और कुछ कास्टें ऐसी होती हैं जिनको जकात नहीं दे सकते, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान यानी बनू हाशिम, बनू हाशिम को जो है जकात नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए जो जकात निकालने वाला है वो ये दो चीजें जरूर देखे कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो मुस्तहिक है, यानी वो फकीर मिस्कीन जो कुरान पाक ने बताए हैं वो जो है उनके मुताबिक है या नहीं। अगर वो पता है उसको कि उसके मुताबिक नहीं है फिर भी वो जकात दे रहा है तो उसकी जकात अदा नहीं होगी। अच्छा, जानबूझ के वो दे रहा है तो जकात अदा नहीं होगी। और जो है जिस तरह जकात देने वाले लोग हैं, अब हर कोई जो है नहीं तलाश कर सकता है मुस्तहिक को, भाई ये जो मुस्तनद इदारे हैं जी, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है या कोई और मुस्तनद इदारे जो ऐसे लोगों को जानते हैं जाती तौर पर, ऐसे लोगों को उनको पता होता है, तो फिर हमें जकात जो है ना ऐसे इदारों में डोनेट कर देनी चाहिए और उन इदारों को बता देना चाहिए कि ये जकात का पैसा है। इसमें एक और फायदा ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो इज्जत नफ्स वाली बात है कि वो हर एक से नहीं कहते कि अपनी जकात हमें दे दो, ऐसे इदारों से रابطہ कर लेते हैं। बिल्कुल, और ऐसे इदारों को आप जकात दे दीजिए वो भी रابطہ कर लेते हैं, तो उनकी जो है वो इज्जत नफ्स पर आँच नहीं आती, बात जो है वो किस हाथ से दे रहे हैं और किस हाथ जा रहा है खबर नहीं हो रही। बिल्कुल, ये शरीयत ने भी इसका किया है कि जकात जो देने वाला है उसकी तो नियत हो कि मैं जकात दे रहा हूँ, बताना जरूरी नहीं है जी, अगले को बताना जरूरी नहीं है कि ये जकात का पैसा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, बल्कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो होते तो गरीब हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम इसके मुस्तहिक नहीं, किसी और को दे। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, जो अपना इज्जत नफ्स का लिहाज रखते हैं, तो लिहाजा ऐसे इदारों को अगर दे दें हम तो उन लोगों तक कहा गया है ना कि जब किसी की मदद करो तो उसकी आंखों की तरफ मत देखो, उसकी आंखों की तरफ मत देखो। और एक हदीस पाक है, सात शख्स हुजूर ने गिनवाए हैं जिनको कयामत के दिन अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उन सात में एक वो है कि जो दाएं हाथ से दे बाएं को पता ही ना चले, इस अदा से जो दे तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को जो है कयामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो लिहाजा जकात देते हुए जो है ना ये जो एहतियात हैं जो शरीयत ने हमें एहतियातें बताई हैं उनका जरूर लिहाज करें ताकि ये फरीजा हमारा जाया ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज नहीं होती, कई लोग ऐसे जो रोजा रखते हैं रोजा नहीं होता, तो इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से जकात तो दे रहे हैं लेकिन शरीयत के कानून का लिहाज नहीं कर रहे तो अदा नहीं होती है। तो लिहाजा ऐसे मुस्तनद इदारे ढूंढ के हमें अगर हम दे दें और उनको बता दें कि ये जकात का पैसा है ताकि वो उसके मुताबिक अदा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मोहतरम मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जिंदगी में ना हमने कुछ लेना ना देना है, ऐसे भी लोग हैं ना जी जी, कि जो दिया हमें अल्लाह ने दिया है और वो उसको अपना हक समझ के अपने ऊपर ही खर्च करना है, हम ना किसी से कुछ लेते ना देते हैं। अच्छा उनके पास एक दूसरा लफ्ज इसका मुतबादिल ये है कि ना हम किसी लेने में ना देने में जी, तो क्या इंसान की ये ज़िंदगी का ये तरीक़ या ये सोच दीन के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, जब इंसान दुनिया में आता है दुनिया में आँख खोलने से लेकर आँख बंद करने तक वो किसी ना किसी अंदाज में दूसरे का मोहताज रहता है, या समझ लें कि किसी मामले में दूसरे की मदद का तलबगार रहता है। सही। तो जिस तरह हम रोज़गार हासिल करने में, मकान बनाने में, कारोबार चलाने में, दूसरी चीज़ों में तो मुआशी है सर, दूसरे के मैं कर रहा हूँ मोहताज रहते हैं, इसी तरह हम अपने मामलात को पूरा करने में यानी कि रिस्क के मामले में भी दूसरों के मोहताज रहते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने यहाँ पर भी हमें ये दर्स दिया, ये सबक दिया कि तुम्हें अल्लाह जो रिस्क अता फरमाया वो खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि फ़कुलू मिनहा वातिअमुल क़ानिया वल मुअतर,
फरमाया कि जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क अता किया है इसमें से खुद भी खाओ और उन लोगों को भी खिलाओ जो मांगते हैं, और वो लोग जो मांगते तो नहीं है लेकिन हाजतमंद हैं। क्या बात है, दोनों की तरफ इशारा किया। और फिर अब देखिए कि सबसे बेहतरीन इबादत जैसे हज बैतुल्ला है, हज बैतुल्ला में जब आदमी कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के गोश्त के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम भी खाओ और मुस्तहक और मस्कीन लोगों को भी खिलाओ। सही। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क की तकसीम की तरफ इशारा किया है। फकत ये स्लो मोशन लेकर चलना, ये स्लोगन लेकर चल जाना कि मुझे ना किसी की हाजत है ना मैं किसी की हाजत पूरी करूँगा, तो ऐसा ज़िंदगी नहीं गुजरती, बल्कि इंसान बहुत सारे मामलों में दूसरे का मोहताज है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालु ने इंसान को ये दर्स दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि खुद भी अल्लाह के अता करदा रिस्क में से खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ये जरूरी है कि आप जो है वो लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं, ये रिस्क में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। और आका अलैहि सलाम की बारगाह से एक सवाल किया गया कि हुजूर बताइए कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी कि इस्लाम का कौन सा अमल सबसे ज्यादा बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल जिसमें हर किसी को सलाम किया जाए और हर किसी को खाना खिलाया जाए, यानी कि तुम किसी को जानते हो या नहीं जानते, जब वो तुम्हें सलाम करे तो तुम उसका सलाम का जवाब दो, या जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तुम उसको सलाम करने में पहल करो, और दूसरे नंबर पर तुम उसको जानते हो या नहीं जानते उसको खाना खिलाओ। ये इस्लाम का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन अमल करार दिया गया। तो इसलिए हमें इस अंदाज में चलना है कि हम रिस्क खाने में और रिस्क खिलाने में हमेशा एक दूसरे के ज़रूरतमंद हैं और एक दूसरे के हाजतमंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा माल कौन सा है। तो सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ अंदाज में बताया, किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर जो मेरा मकान है वो मेरा माल है, आपने फरमाया कि वो तो विरासत है। अर्ज़ की कि हुजूर जो मेरा माल है वो मेरा है, आपने फरमाया नहीं वो तो विरासत में तकसीम होगा। अर्ज़ की हुजूर जो हमने खा लिया वो हमारा माल है, आपने फरमाया वो तो खत्म हो गया। फिर सहाबा किराम ने की कि हुजूर आप इरशाद फरमाए कि हमारा माल है कौन सा। तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो माल तुम्हारा है जो तुमने अपने हाथों से अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। एक और हदीस पाक भी है, क्या बचा जी तुम्हारे पास, असल माल बचा है ना, क्या बचा जी, तो वो यही माल बचा। तो जैसे अर्ज किया ना कि हुजूर और तो कुछ नहीं बचा, फकत वही था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही बचा है, बाकी जो तुमने इस्तेमाल कर लिया वो नहीं बचा। बच्चा जो तुमने दिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब और मोहतरम मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब, आपका शुक्रिया, तशरीफ लाए, आपसे बहुत कुछ सीखा और माशाल्लाह बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और जिस मोटिवेशन के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हमने वो बात पहुँचाने की कोशिश की और यकीनन हमने अपनी बात पहुँचाई। बहुत शुक्रिया मासूर समीर अहमद आपका भी कि आप तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत कलाम आपसे हमने सुने। नाज़रीन कलाम मकसद इस नशरियात का जो था यकीनन उसको आपने समझा। हम बार बार आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करते हैं कि हम नेकी के एक सफ़र के मुसाफिर हैं, इस सफ़र में कोशिश करते हैं और यकीनन आपका हमारा साथ है, हम मुस्तकिल इस सफ़र के मुसाफिर हैं, गामजन हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं कि जो आज ज़रूरतमंद हैं, जिनकी ज़रूरतें पूरी करना आपका हमारा फ़र्ज़ है, और ये किसी मौसम, किसी ख़ास सेगमेंट या किसी ख़ास वक्त के लिए नहीं है, नेकी का ये सफ़र मुस्तकिल जारी है। जहाँ जहाँ इंसान मुश्किलात का शिकार हैं, इंसानों को ज़रूरत है, वहाँ पहुँचने की हम सही करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपके सामने हम हाथ फैलाते हैं कि आइए और मदद कीजिए उन लोगों की, हमारे साथ मिलकर मदद कीजिए, इस इदारे के साथ मिलकर मदद कीजिए कि जो लोग आज आपकी और हमारी तरफ देख रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इस बेहतरीन मनसब पर आपको और हमें फ़ाइज फरमाया है कि हम इस काबिल हैं कि लोगों की मदद कर सकें, या फिर आप और हम मिलकर लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इस तरफ रागिब करें कि हमें इंसान की, इंसानियत की खिदमत करना है, ये हमारा काम है। आज मकसद सिर्फ ये था कि आज दुनिया भर में मौसमी तगैरात की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी बहुत है, तो 2500 रुपये देकर एक लिहाफ, एक ब्लैंकेट, एक कंबल या एक रज़ाई जिसको हम कहते हैं किसी तक पहुंचा दीजिए, 7000 रुपये का डोनेशन दीजिए, और 7000 रुपये के डोनेशन में एक फैमिली को राशन फराहम कर दीजिए। आपके सामने तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं, जिस वक्त चाहें आप कॉल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।